मेरे कुछ बिरयानी लवर्स की फरमाइश पर यह स्मोकी चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इस रेसिपी को ध्यान से देखें, स्किप ना करें। ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपकी बिरयानी बिल्कुल इसी तरह बनेगी। खुशबूदार सी स्मोकी चिकन टिक्का बिरयानी का टेस्ट ही अलग होता है। अगर आप इसे एक बार खाओगे तो बार बार खाने का मन ज़रूर करेगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर मिक्स चिकन लिया है 750 ग्राम यानी कि 1.25 किलो। इसमें हम 1 टेबलस्पून नींबू का जूस ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अदरक लहसुन पेस्ट किस तरह से बनाई जाती है इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो इसका। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, ये दही लिया है, फेटा हुआ दही है 1/4 कप यानी 1/4 कप हमने यहाँ पे दही का इस्तेमाल किया है। ये सारे स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने लिया है टिक्का मसाला पाउडर। ये टिक्का मसाला की हमने रेसिपी अपलोड की है तो आप मेरे आई बटन में जाकर देख सकते हो या फिर उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि ये हमने होममेड बनाया हुआ है, घर का बना है। और अगर आपके पास रेडी नहीं है, घर में अवेलेबल नहीं है, तो आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर हमने लिया है चाट मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर लिया है। धनिया पाउडर लिया है हमने यहाँ पे 1 टीस्पून भर के, 1 टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर लिया है, यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली पाउडर का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और ये धनिया जीरा पाउडर है, यहाँ पर हमने 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर लिया है। और फूड कलर का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, जो ऑरेंज रेड कलर है उसका हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और उसके बाद हमने यहाँ पर नमक लिया है, तो नमक लेना है स्वाद अनुसार। तो ये सारे स्पाइसेस हम इसमें डाल देते हैं और चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन को हमने मैरिनेट कर लिया है तो अब हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। हमने यहाँ पर एक पैन लिया है, पैन में हमने 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल हमारा हल्का गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये प्याज। हमने यहाँ पे बड़ी साइज की प्याज ली थी और प्याज को हमने रफली काट लिया है और प्याज को हम हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। चिकन हमारा मैरिनेट हो रहा है उसी वक्त में हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए हमें ये जो प्याज हमने लिए, ये प्याज लगने वाली है और प्याज को हम हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। प्याज को हमने सॉफ्ट कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टमाटर, इसको भी हमने रफली काट लिया है। 2 हमने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और उसको हमने इस तरह से मोटा मोटा काट लिया है, तो अब हम इसे भी सॉफ्ट कर लेते हैं। प्याज के साथ टोमेटो को भी हमने सॉफ्ट कर लिया है, लो फ्लेम पे ही हमें इसे सॉफ्ट करना है। तो अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसे एक प्लेट में ठंडा करने के लिए रख देंगे। प्याज और टमाटर का मिक्सचर हमारा ठंडा हो रहा है उसी वक्त में हम उसी पैन में तेल ऐड करेंगे। तेल हमने यहाँ पे लिया है 4 टेबलस्पून और अब हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं। चिकन को हमारे आधा घंटा हो चुका है। सारे चिकन को हमने पैन में डाल दिया है। चिकन को हमने सारे तेल में डालने के बाद ये मसाला बच गया है तो इसका इस्तेमाल हम ग्रेवी में करेंगे। और चिकन को हम ढककर रख देते हैं लो फ्लेम पे। 3 मिनट हमने चिकन को ढककर रख दिया था तो अब हम इसे खुले से ही पकाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। तो अब हम एक एक पीस को पलट लेते हैं। चिकन हमारा फ्राई हो रहा है उसी वक्त में हम इसे पीस लेते हैं और इसकी प्यूरी बना लेते हैं। तो ये मिक्सचर अब ठंडा हो चुका है। प्याज और टमाटो की प्यूरी हमने बना ली है तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। चिकन को हमने फ्राई कर लिया है तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमने चिकन को फ्राई कर लिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। उसी पैन में हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्का सा फ्राई करेंगे। उसी ऑयल में हमें ऐड करना है और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये हमने जो प्यूरी बनाई थी टोमेटो और प्याज की, तो वो सारी प्यूरी हम इसमें डाल देते हैं और अच्छी से इस तरह से हल्का सा भून लेते हैं। प्याज
प्यूरी को हमने अच्छे से भून लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये ड्राई स्पाइसेस। हमने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून हमने तीखा मसाला पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून हमने जीरा पाउडर लिया है। फूड कलर हमने यहाँ पे लिया है 1 चुटकी, ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ये आप इसमें ऐड करना। और उसके बाद हमने 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम यहाँ पे गरम मसाला पाउडर लिया है और नमक लेना है स्वादानुसार। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैरिनेट किया हुआ जो मसाला बच गया था वो भी हम इसमें सारा ऐड करेंगे और अच्छे से भून लेंगे। तीन टेबलस्पून ऑयल हम ये फिर से इसमें ऐड करेंगे क्योंकि इसमें हमने ऑयल ऐड नहीं किया था, जो जिस ऑयल में हमने चिकन को फ्राई किया था उसी में हमने ये मसाले ऐड किए थे, इसलिए हमने ऊपर से फिर से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। और इस तरह से हल्का सा 1-2 मिनट तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे हाई फ्लेम पे। हमने इसे 2 मिनट तकरीबन भून लिया है तो अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसका जो टेम्परेचर है उसे हल्का सा डाउन करेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। हमने यहाँ पे 1/4 कप दही लिया है, 1/4 कप हमने यहाँ पे फेटा हुआ दही लिया है। सारा दही हमने इसमें डाल दिया है तो अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर हम हाई फ्लेम पे इसमें दही ऐड करते तो ये दही जो है ये फट जाता, और अच्छे से दही को मिक्स करना है। जिस जार में हमने प्यूरी बनाई थी उसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और अब हम वो पानी इसमें डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि मसाला अच्छे से थोड़ा सा हल्का सा पक जाए। फ्लेम को हमने ऑन किया है और हम इसे 3 मिनट तक कुक करेंगे लो फ्लेम पे। यहाँ पर हमने एक प्लेट में चिकन को रखा है, उसमें हम छोटी सी स्टील की प्लेट रखेंगे और उस पर हम जला हुआ कोयला रखेंगे। कोयले के ऊपर हमें घी या तेल ऐड करना है। जैसे ही तेल हम ऐड करेंगे धुआं आना स्टार्ट हो जाएगा और धुआं जैसे आएगा हम इसे 3 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो चिकन है ये स्मोकी बनेगा और इसे तंदूर की खुशबू आएगी। ग्रेवी को हमारे 3 मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसमें 1/2 चिकन ट्रांसफ़र करेंगे। 1/2 चिकन हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है और हल्का सा इस तरह से हम इसे भी मिक्स करेंगे मसाले के साथ। ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। यहाँ पे बासमती राइस लिया है 750 ग्राम, यानी कि 1/4 किलो चावल को हमने 1/2 घंटा पहले पानी में भीगने के लिए रख दिया था तो अब 1/2 घंटा हो चुका है। यहाँ पर हमने एक बर्तन लिया है, बर्तन में हमने पानी ऐड किया है तो इस पानी में हमें राइस को बॉईल करना है। तो इस पानी में हमें ये मसाले ऐड करने हैं। हमने यहाँ पे एक काली वाली मोटी इलायची ली है, 3 हरी इलायची ली है, 4 लौंग लिए हैं, 7 से 8 ब्लैक पेपर लिए हैं और यहाँ पे हमने स्टार फूल लिया है। और उसके बाद हम यहाँ पे एक बे लीव्स लेंगे, 1 तेज़पत्ता लेंगे और 1.5 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लिया है। तो अब हम इस राइस को बॉईल करने के लिए इस मसाले को डाल देते हैं और उसी में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पुदीना ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए राइस को हमारे। उसी पानी में हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के हमने नमक ऐड किया है बारीक वाला और उसके बाद फिर से हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून और अब अच्छे से बॉईल आने का वेट करेंगे। पानी को हमारे अच्छे से बॉईल आ चुका है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये बासमती चावल। राइस को हमें 100% कुक करना है। अब हम राइस में ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून ऑयल ताकि हमारे चावल जो है ये चिपके नहीं। हमने राइस में ऑयल ऐड किया है और अब हम इसे चला लेते हैं। देखिए राइस हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा सा राइस हमने कुक कर लिया है तो अब हम इसे स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेते हैं। एक छन्नी में हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे। राइस को हमने स्ट्रेनर में ट्रांसफ़र कर दिया है तो अब हम इसे 5 मिनट के लिए स्ट्रेनर में ही रखेंगे ताकि सारा पानी जो है इसमें से ड्रेन हो जाए। हमने यहाँ पर एक बर्तन लिया है, एक पैन लिया है तो इस पैन में हम ऐड करेंगे तेल क्योंकि इसी पैन में हमें बिरयानी को असेंबल करना है। तो सबसे पहले हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। 1.5 टेबलस्पून हमने ऑयल ऐड किया है
ताकि तले में जो है ये बिरयानी हमारी चिपके नहीं। और इसमें हम ऐड करेंगे राइस, राइस की वन लेयर हमने लगा ली है, तो अब हम ग्रेवी इसमें ऐड करेंगे। सारी ग्रेवी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। ग्रेवी को हमने डाल दिया है, थोड़ा सा पुदीना के पत्ते हम इसके ऊपर तोड़कर डाल देते हैं ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। अब बचे हुए चावल भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं। सारा राइस हमने इसमें ऐड कर लिया है। सारा राइस हमने इसमें डाल दिया है और हमने यहाँ पे 1 टेबलस्पून पानी में 2 केवड़ा इसेंस की बूंदे डाल दिए। तो अब हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देते हैं, इससे एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और उसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, हमने यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल किया है। और बचा हुआ चिकन भी हम इसके ऊपर इस तरह से रख देते हैं। थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे, रेड वाला फूड कलर हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ऊपर से थोड़ा सा बचा हुआ हरा धनिया और पुदीना के पत्ते ऐड करेंगे। अब हम इसके ऊपर से इस तरह से फॉइल पेपर रखेंगे ताकि अच्छा सा हमारी बिरयानी को जो है वो दम आ जाए। गैस की फ्लेम को हमने लो रखा है और इस तरह हम इसे पैक करेंगे। और अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए इस तरह से दम पर रख देते हैं। तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम बिरयानी को खोल देते हैं। देखिए कितनी बेहतरीन लग रही है। देखिए अंदर तक हमारी बिरयानी कितनी बेहतरीन बनी है। चिकन टिक्का बिरयानी हमारी बनकर रेडी हो चुके हैं, तो अब हम इसे सर्व करेंगे। कि चिकन टिक्का बिरयानी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है और हमने इसे सर्व किया है। देखिए कितनी बेहतरीन लग रही है और खाने में ये बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट ज़रूर करना। आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।